मैं ये ऐलान करती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी पोजीशंस हैं, पार्टी पोजीशंस हैं, उससे मैं इस्तीफा देती हूँ। पीटीआई पर पतझड़ का मौसम आ गया, एक एक करके पार्टी कप्तान का साथ छोड़ने लगे। मरकजी रहनुमा मलिका बुखारी ने भी कप्तान से राहें जुदा कर ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई के वाकयात की मुसम्मत, तमाम पार्टी पोजीशन से इस्तीफा और पार्टी से लातालुकी का इजहार कर दिया। मुसर्रत जमशेद चीमा का भी पीटीआई छोड़ने का इम्कान। मैं एक बहुत ही गौर फिक्र के बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि मैं आज पीपल्स पार्टी में बाज़ाब्ता तौर पे शमूलियत का ऐलान कर रहा हूँ। रहनुमा पीटीआई डॉक्टर हैदर अली कप्तान को छोड़कर पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए। फैसल करीम कुंडी ने खुश आमदीद कहा, बोले अगर पीटीआई की आदत सियासी रविश अख्तियार करती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मैं पार्टी टिकट भी वापस करता हूँ और 9 मई के वाकये के बाद पीटीआई से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। मुल्ताक में साबिक एमपीए हाजी जावेद अख्तर अंसारी का पार्टी से अलहदगी का ऐलान। 9 मई के वाकयात की मुजम्मत, टिकट वापस करने का ऐलान भी कर दिया। मुल्तान से ही राव यासिर ने पीटीआई हकीकी बनाने का ऐलान कर दिया, कहा 9 मई के जिम्मेदारान और मुल्क दुश्मनों के दरमियान कोई फर्क नहीं रहा। मैं आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान कर रही हूँ। आयशा गुलालई ने मुस्लिम लीग काफ ज्वाइन कर ली। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, शोहदा के लवाहिकीन को सलाम अकीदत। सब पाकिस्तानी शोहदा की कुर्बानियों को जानते हैं, पाकिस्तान का हर शहरी पाक फौज के साथ है। चौधरी सरवर ने कहा, पार्टी का हजम दिन ब दिन बढ़ रहा है। जिना हाउस हमला केस, डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चौधरी परवेज इलाही की मुमकिन गिरफ्तारी, पुलिस की भारी नफरी। जहूर इलाही रोड पर पहुंच गई, परवेज इलाही के घर से किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। रिहायशगाह के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस एहलकार तय होना। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी बैरून मुल्क नहीं जा सकते, दोनों के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल। फहरिस्त में साबिक उजरा समेत 80 से ज्यादा अफराद के नाम शामिल। वजारत दाखिला को पुलिस, नैब और महकमा एंटी करप्शन की जानिब से दरख्वास्तें। पंजाब इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाप्त। सुप्रीम कोर्ट ने निगरान हुकूमत की मुद्दत में तौसी आयन की रूह के मनाफी करार दे दिया। कब तक इंतखाबात आगे करके जमहूरियत कुर्बान करते रहेंगे? चीफ जस्टिस का इस्तफसा, कहा जब भी जमहूरियत की कुर्बानी दी गई कई साल नतीजे भुगते। मुबैना ऑडियो लीक से तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन का मामला। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी ने केस की जल्द समाप्त के लिए मुतफरिक दरख्वास्त जुमे के रोज समाप्त के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की। कमीशन का दूसरा इजलास जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में हफ्ते को होगा। 13 करोड़ रुपए कीमत अदा की है 6 अरब की जमीन की, कुल मालियत 5,000 कनाल की जमीन की, तखमीना 6 अरब लगाया गया है और जो जमीन की कीमत अदा की गई है वो 13 करोड़ रुपए अदा की गई है। इतनी करप्शन, ये घर के फर्द अगर ये करने हैं तो इमरान खान और बुशरा मानिका ने ठीक तरीके से कई 100 अरब रुपए कमाए हैं। मोहम्मद खसूसी वजीर आजम अदात आरड कहते हैं, इमरान खान ने करप्शन स्कैंडल में अरबों कमाए, इन्हें 190 मिलियन पाउंड का हिसाब देना होगा। ये मुल्क शोहदा की मरहून मिन्नत है। दहशतगर्दी पूरे खित्ते और पाकिस्तान का मुश्तरका मसला है। भारत में बैठकर भारतीय बयानी का मुंह तोड़ जवाब दिया, वाजे कर दिया कि हम पुरअम लोग हैं, अम के ख्वाहां हैं। गोवा में भारतीय सहाफियों को मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडे का जवाब देने का मौका मिला। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो सरदारी की सैनेट कायमा कमेटी, अमूर खारजा को SCO वज़राए खारजा और G20 इजलास पर ब्रीफिंग। सरबरा पाक फजाइया से वजीर खाजा बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात, जियो स्ट्रेटेजिक माहौल और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। वजीर खाजा ने पाक फजाइया की बेमिसाल पेशावराना महारत को सराहा।
कोर कमांडर हाउस लाहौर हमला, जलाओ घेराओ केस, मुलविस शरपसंदों का इम्तिहान शुरू। साबिक एमपीए मियां अकरम उस्मान समेत 16 मुलजमान का केस फौजी अदालत में चलेगा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का मुलजमान को कमांडिंग ऑफिसर के हवाले करने का हुक्म। जिना हाउस समेत दीगर पुरतशद्दुद वाकयात, पंजाब हुकूमत ने स्पेशल प्रोसिक्यूशन टीम तश्कील दे दी। टीम में 3 अरकान शामिल, मुलविस अफराद के खिलाफ शवाहिद अदालत में पेश करेगी। रेडियो पाकिस्तान पिशावर समेत दीगर मकामात पर हमला केस में 80 अफराद की रिहाई का हुक्म। पिशावर हाईकोर्ट में इलेक्शन कमीशन दफ्तर पर हमलों में गिरफ्तार 80 मुलजिमान जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। तोड़फोड़ में गिरफ्तार 2 अफगान मुहाजिरों की जमानत खारिज कर दी गई। ये मुल्क कुर्बानियों और तवील जस्तजू के बाद मार्ज़े वजूद में आया। GHQ कोर कमांडर हाउस पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तसव्वुर होगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के ज़ाती तौर पर हक में नहीं हूँ, लेकिन पार्टी के फैसले के साथ खड़ा होगा। सेनेटर यूसुफ रजा गेलानी की मीडिया से गुफ्तगू।